जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे हम लोग एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को। आज इसके बारे में बात क्यों हो रही है, क्योंकि इस कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले थे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था वो आ गया है। रिजल्ट अच्छा आया है, उम्मीद जैसा था अच्छा आएगा और एकदम उम्मीद के मुताबिक आया है, कुछ मामलों में बेहतर भी आया है। तो इस क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग अनुमान लगाएंगे कि अब आने वाले शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें क्या हो सकता है, और साथ में चूंकि जो बहुत से लोग ये चूंकि ये जो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करता है वो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट है, तो बहुत से लोग ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं खुद कहता हूँ आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का क्या प्लान है और इस कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कैसे मूवमेंट कर सकते हैं उसको लेकर भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सारी चीजों को समझेंगे, सबसे पहले बी एस इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या लेटेस्ट अपडेट है और उसके बाद बाकी आके यहाँ पे हम लोग पार्ट वन के रिजल्ट, कंपनी का फंडामेंटल चार्ट, सभी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आ गए हैं बी एस इंडिया की वेबसाइट पर, और बी एस इंडिया की वेबसाइट पर एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि ना तो ये स्टॉक ईएसएम नहीं जीएसएम जैसी कैटेगरी में है। तो जो सबसे एक तनाव देने वाली चीज होती है छोटे स्टॉक्स में, वो उसमें ये स्टॉक नहीं है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट दिख रहा है कि जो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले थे वो आ गए हैं। अब इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिजल्ट अच्छे आए हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। नीचे आएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जो कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट, हालांकि इस बार क्या पिछले कई क्वार्टर से कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं किया है। यहाँ पे लास्ट जो कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ था आपको 2022-23 में होते हुए दिखा था 2024 में, हालांकि उम्मीद है कि 2024 में कंपनी एक कॉर्पोरेट एक्शंस करेगी। अब वो या तो बोनस या एस्पेक्ट के फॉर्म हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कुछ कंपनी आपको डिविडेंड देते हुए भी दिखे इस साल के लास्ट तक। आपको ये बात निकलकर सामने आएगी तो मैं उसके बारे में अपडेट करूंगा। फिलहाल ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है तो सीधे हम लोग चलते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर पर ही फोकस करते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन वेबसाइट पर एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को मैंने ओपन किया और यहाँ पे सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर पे। तो ये क्वार्टर रिजल्ट आ गया और यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स के जब भी रिजल्ट देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको देखते हैं कंपनी को सेल्स कितना, यानी कि एक ओवरऑल चूंकि क्वार्टर्स के नंबर तीन तीन माह पर आते हैं तो एक क्वार्टर्स में कंपनी ने कितना पैसा कमाया जो भी बिजनेस करते हैं उससे, तो तकरीबन 2,79,00,000 के आसपास, तकरीबन इसे आप 3 करोड़ मान सकते हैं कंपनी का सेल्स हुआ है। चूंकि देखिए पिछले कई क्वार्टर्स में देखेंगे कंपनी का सेल्स एकदम जीरो हो रहा था, लेकिन इस कई क्वार्टर के बाद कंपनी का सेल्स और काफी हैवी सेल्स हुआ है। तो इस मामले में काफी बेहतर है कि कंपनी को अब जाके ऑर्डर्स वगैरह मिलने लगे हैं और कंपनी लाइम लाइट में आने लगी ओवरऑल अपनी टेक्सटाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसमें, और अब जाके कंपनी पैसा कमाना शुरू कर रही है। तो ये तो मैंने बात किया कंपनी का जो मेन जो ओवरऑल कंपनी का सेल्स हुआ। अगर बात करें मेन बिजनेस कंपनी का कितना कमाई हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 24 लाख के आसपास हुआ है, और सॉरी 2,55,00,000 के आसपास हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये 24 लाख कंपनी के खर्चे हैं। देखिए एक अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी ने इतना पैसा कमाया तकरीबन 3 करोड़, लेकिन खर्च कितना किया सिर्फ 25 लाख। ये गुड मैनेजमेंट की साइन होते हैं, खर्चे हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने यहाँ पे कंजूसी किया, जरूरत के हिसाब से खर्चा किया है। यहाँ पे देखिए कंपनी को जब सेल्स नहीं होते फिर भी कंपनी ने अपने खर्चे को संभाल के किया, क्योंकि कंपनी चलाना है तो खर्चे तो लगेंगे, तो कंपनी ने अपने रिजर्व से पैसा लगाया, रिजर्व जो भी कैश फ्लो होता है, और यहाँ पे जब पैसा है तो थोड़ा बहुत कंपनी ने खर्च किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे देखेंगे तो जबरदस्त बढ़ा है, तकरीबन 91.40% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, काफी शानदार है ये। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, तो देखिए जाहिर सी बात है जब कंपनी को सेल्स होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो उससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, 2,55,00,000 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पिछले कई क्वार्टर में आपको देखने को नहीं मिला था, काफी दिनों के बाद अब जाके कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो अब अनुमान लगा सकते हैं इस बेसिस पे कि तो जो इसके बाद के क्वार्टर्स के नंबर आएंगे वो अभी अच्छे आएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि उगते सूरज से ही दिन का ज्ञान होता है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर रिजल्ट है, तो इसके बाद जो भी क्वार्टर रिजल्ट आएगा चाहे क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 वो सब अच्छे आने की उम्मीद रहेंगे। तो क्वार्टर के नंबर आपने देखे अच्छे आए हैं, तो इसके हिसाब से देखें यदि बैलेंस शीट में क्या उतार चढ़ाव हुआ है। तो देखिए बैलेंस शीट में तो हम सभी जानते हैं कि ये तो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट जो अब आता है तो अपडेट होता है। तो मार्च क्वार्टर में देखा था कंपनी के पास जो डेब्ट होता है अचानक से बढ़ गया था, कंपनी को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेना पड़ा था, जिस वजह से यहाँ पे कंपनी का डेब्ट बढ़ा था। हालांकि इसी बीच देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व पैसा भी बढ़ा था, और चूंकि अब इस क्वार्टर में कंपनी को जो सेल्स हुआ है और उस सेल्स से जो कंपनी को पैसा आया है, तो अब कंपनी धीरे धीरे करके इसके पास जो डेब्ट है उस डेब्ट को पहले कम करेगी, और डेब्ट कम करने के बाद
क्या होगा, जो पैसा बचेगा उसे कंपनी अपना रिजर्व जो फ्री कैश फ्लो है यह भी कंपनी बढ़ाएगी, ताकि यदि किसी क्वार्टर में कंपनी के सेल्स नहीं भी होते हैं तो कंपनी अपना गुजारा बाता कर सके। ओवरऑल यदि बात करें अब कंपनी के हम लोग को चार्ट की, तो देखिए चूंकि नंबर्स अच्छे हैं तो अब कंपनी के चार्ट पर मूवमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी क्या है कि स्टॉक एकदम फ्लैट हो गया, इसका प्राइस एकदम फ्लैट हो गया, और ये एकदम क्रूशियल मूवमेंट होता है जहां से प्राइस में मूवमेंट आना हुआ आना होता है। अब यहाँ से क्या होगा, प्राइस में एक लंबी छलांग आपको देखने को लगी मिलेगी, उम्मीद है कि अपर सर्किट भी लग गया, और अपर सर्किट लगेगा तो ये प्राइस सीधे आपको कम से कम ये जो लेवल है पहले 1 रुपये इसको निकालेगा, 1 रुपये के लेवल को निकालने के बाद इजिली इसका प्राइस अपने इस हाई के पास आएगा, और यहाँ पर आने के बाद समय बिता के यदि ऊपर निकालता है तो फिर बहुत ऊपर जा सकता है, कम से कम इसके डबल जाने तक का चांस होता है। तो आपको करना क्या है कि अभी नया बाई नहीं करना है जब तक कि प्राइस 1 रुपये के ऊपर नहीं निकल जाए। 1 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे नया फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, जिसके पास थोड़े बहुत कैपेसिटी है एवरेजिंग, हालांकि एवरेजिंग तो और कम पे ही करना चाहिए, तो जो लोग इस लेवल के आसपास कहीं बाई किए यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, और न सिर्फ न्यू बाई ही यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा, तो यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं, और इसमें आप मान के चलिए कि ये स्टॉक के प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। ओवरऑल देखिए मैं क्वार्टर्स के नंबर को ही इस वीडियो में आपको अपडेट करने की कोशिश किया हूँ, और क्वार्टर्स नंबर के साथ चार्ट पैटर्न को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया हूँ। बाकी यदि आपको लगता है कुछ छूट रहे, आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।